मागील 2 दशकांपासून रेल्वे बोर्डद्वारा रेल्वे इंजिनिअरच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप इंजिनिअरच्या वतीने केले गेले. याच अनुषंगाने 6 एप्रिल रोजी इंजिनिअरच्या वतीने विरोध प्रदर्शन करीत रस्त्यावर उतरले. या अगोदर 1 आणि 2 डिसेंबर रोजी जंतर मंतर व 20 जानेवारी रोजी सर्व झोनल व मंडल कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले, परंतु तरीही यांच्याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या रेल्वे प्रशासनाने विचार केला नाही व यांच्या मागण्यांची कुठे दखल घेतली गेली नाही. म्हणूनच ऑल इंडिया रेल्वे इंजिनिअर फेडरेशनच्या आवाहनानंतर सर्व झोनल मंडल मंत्रालय लोकसभा विधानसभा सर्व स्तरावर 6 एप्रिल रोजी विरोध धरणा आंदोलन केले. यावेळी मध्य रेल्वेच्या इंजिनिअर असोसिएशनच्या वतीने भुसावळ DRM कार्यालयासमोर एकत्रितपणे मुंडन केले. रेल्वे प्रशासनाला आपल्या मागण्यावर जाग व्हावी याच्याकरिता हे मुंडन करत असल्याची भावना सर्व इंजिनिअरनी व्यक्त केल्या. इंजिनिअर्स रेल्वेच्या सुचारू रूप चालण्याकरता अतिशय महत्वाचे कार्य पाडत असतात. ज्युनियर आणि सिनियर सेक्शनच्या इंजिनिअर हे रेल्वे इंजिन कोच वॅगन ट्रॅक सिग्नल पूर्वी सर्वांकडचे फिटनेस सर्टिफिकेट देतात व कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता आपले कार्य चोखपणे निभावतात, परंतु तरीही रेल्वे प्रशासन यांच्याकडे दुर्लक्ष का करते हा एक प्रश्न रेल्वेतील इंजिनिअरला पडलेला आहे. 6व्या वेतन आयोगात रेल्वे इंजिनिअरच्या हिताचा विचार केला गेला नाही. रेल्वे इंजिनिअरला त्यापासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे. रेल्वेत कोणत्याच प्रमोशनची इंजिनिअरला रेल्वेत कोणत्या प्रकारचे प्रमोशन लवकर मिळत नाही. भारतीय रेल्वेमध्ये इंजिनिअरला ग्रुप बी म्हणून पदोन्नती मिळावी याकरिता हे आंदोलन केले गेले. यावेळी आलेल्या वक्त्यांनी आलेल्या सर्व सभासदांना संबोधित केले. हम लोग सभी एकजुट नहीं हुए हैं, फिर भी मैं बार बार बोलता हूं, 1000 गीदर की फौज की वजह से मुझे 5 शेर का फौज मंजूर है. आधा इंजीनियर क्या समझ रहे हैं कि फायदा तो सबको होना भैया, लेकिन ऐसा फायदा लेकर क्या करोगे. फायदा तो JSSC का तुमको डिजिनेशन भी मिल चुका है बिना मेहनत का. अरे इसमें जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं आगे के लिए भी ऐसा नहीं है, हम लोग को सफलता नहीं मिल रही, सफलता मिल रही है. हम लोग का जो मेहनत है रंग ला रहा है, एकता में जीत है वो हम लोग फलीभूत हो रहा है. आज एकत्रित होने के वजह से ही आज हमारा जो प्रॉब्लम है समस्या है संसद में उठाया जा रहा है. ये सांसद सबको भी समझ में आ रहा है कि रेलवे के इंजीनियर के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है. और ये मत अपने आप को कम आंकिए, एक जूनियर इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के साथ में मिनिमम 10 टेक्नीशियन या उसके अधीनस्थ कर्मचारी जुड़ा हुआ है. तो आप सोच लीजिए, आप लोग सोचते हैं हम लोग 80,000 हैं, नहीं, हम लोग 8 लाख हैं. आज यहाँ पे जो रेलवे इंजीनियर की जो स्ट्राइक की गई, जो मुंडन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये हम लोगों का विरोध है कि हमें जो है कोई प्रमोशन नहीं है. JEE हमारा भर्ती होता है डायरेक्ट ग्रेड में, उसके बाद में उसमें SSC हो जाता है, उसके बाद पूरे जिंदगी कोई प्रमोशन नहीं मिलता है. मुझे अभी 35वां साल शुरू हो गया, मैं JEE में भर्ती हुआ था डायरेक्ट और अभी मुझे एक ही प्रमोशन मिला है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में टाइम बाउंड प्रमोशन है, 3-3 प्रमोशन गारंटीड है. MSEP का जो बेनिफिट है प्रमोशनल ग्रेड में नहीं मिल रहा है. अब मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ जो है 35वां साल मेरा सर्विस का चल रहा है, मुझे एक ही प्रमोशन मिला है. तो ये हम लोगों का विरोध है, हमें ग्रुप बी स्टेटस मिलना चाहिए. आवेश दो, आवेश